का नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। भारतवर्ष के ऊपर कोरोना का क्या प्रभाव होने जा रहा है और हम कैसे मुक्ति लेने जा रहे हैं, इसका पार्ट टू में अब आरंभ करने जा रहा हूँ। पार्ट वन में मैंने गृह स्थिति इत्यादि का विवरण आपको दिया था। अब जीवन के किन क्षेत्रों पर इसका असर होने जा रहा है, हेल्थ के ऊपर जो है, क्योंकि लोग आइसोलेशन में रहेंगे, अलग से अपने घरों में रहेंगे, थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे गुरु के नीच होने की वजह से एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिप्रेसिव या न्यूरोलॉजिकल, थोड़ा खान पीन का या बृहस्पति का जो परिवर्तन है उसके कारण लीवर, और जिस प्रकार की गृह स्थिति चल रही है, लोग घर में रहेंगे परंतु फिर भी बरसात इत्यादि होती है, तो 15 अप्रैल के उपरांत, विशेष करके 15 अप्रैल के उपरांत और 15 अप्रैल से 15 मई और विशेषकर 4 मई के बाद में मंगल जब दशम भाव में देश की कुंडली में आएंगे, तो डेंगू इत्यादि जो इस प्रकार की समस्याएं हैं उनसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। एंड लीवर की इसलिए मैंने बोला कि घर में अकेले रह रहे हैं, यदि आप शराब इत्यादि, ड्रिंक इत्यादि आपकी आइसोलेशन में बढ़ रही है, वो भी खराब होगा। इसके अतिरिक्त जो है आपको लगातार साफ पानी पीना है, फ्रेश फूड खाना है, ये हेल्थ का इशू है। कैरियर में यदि बात करें तो आपके जो जॉब्स में है उनका ज्यादा सेफ है, जो प्राइवेट में उनका थोड़ा सा कम सेफ होगा, लेकिन देश की गवर्नमेंट के ऊपर गवर्नेंस के इशू आएंगे। उसका कारण है 7 से लेकर 14 अप्रैल तक और उसके उपरांत 24 अप्रैल से लेकर और 9 मई तक, इसमें सब्जी, घी, दूध, मक्खन, दालें, ये समस्याएं इनकी चलेंगी। 7 अप्रैल से 13 अप्रैल और 9 मई से लेके और लगभग 24 मई तक, इसमें जो है ये गवर्नेंस रिलेटेड इशू होंगे। इसमें मुख्य चीजों की कंज्यूमर गुड्स की कमी होना, उनका नहीं मिल पाना, मिसमैनेज होना, कोरोना का बैंक से इत्यादि भी क्या फर्क पड़ेगा। जो तारीखें हैं, जैसे मैंने पहले बोली 7 से 13 तारीख अप्रैल की, उसके उपरांत 23 अप्रैल से 9 मई, इस पीरियड में लिक्विडिटी का थोड़ा, कैश का टाइटनेस होना, इन्फ्लेशन होना, प्राइस राइज होना, ये हो सकता है, जिसको गवर्नमेंट को नियंत्रण करना आवश्यक होगा। शेयर मार्केट में इसी समय में जो तारीखें बोली हैं 7 से 13 अप्रैल और 24 अप्रैल से और 9 मई तक, इस समय में जो है थोड़ा सा FIs का कैश विड्रॉल होना ये संभव होगा और बैंक्स के लिए थोड़ी दिक्कत होगी। म्यूचुअल फंड्स और LIC इत्यादि के जो शेयर्स हैं गिर सकते हैं, एग्रो के शेयर्स गिर सकते हैं, और विशेष करके जो तारीखें 7 से 14 अप्रैल और 24 अप्रैल से 9 मई, इसमें ये कमी हो सकती है इनके शेयर्स में, शेयर मार्केट इसमें गिर सकती है। जैसे मैंने पहले ही बोला, इसी समय में 7 अप्रैल से 14 मई और 24 अप्रैल से 9 मई, इसमें सब्जी, घी, मक्खन, दालें इत्यादि। जनरली जो है, जो कुछ इजीनेस जो आएगी कोरोना की वजह से इकोनॉमी में क्या असर कोरोना का होगा, 14 अप्रैल से 9 मई में थोड़ी सी प्रोडक्शन एक्टिविटी कम रहेगी। सर्विस सेक्टर जो है, ये 4-5 मई के उपरांत और 9 मई के उपरांत सर्विस सेक्टर, जॉब्स और इंडस्ट्री का जो है स्टार्ट हो जाना, प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाना स्लो वे में, 30 जून आते आते वो स्टेबल हो जाएगा। नॉर्मल सिचुएशन जो है 30 जून तक आते आते हो जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि 9 मई से लेके और 30 जून के बीच में सर्विस सेक्टर, जॉब्स, इंडस्ट्री का स्टार्ट होना, प्रोडक्शन का स्टार्ट होना, नॉर्मल स्थिति आ जाती है। बृहस्पति के कारण बैंक्स जो हैं, जो गवर्नमेंट ने 1,70,000 का डाला है, शायद कुछ और डालेंगे, उससे जो है लिक्विडिटी का क्रंच नहीं होगा, परंतु 7 से 13 अप्रैल में कुछ सब्जियों की कमी या मिसमैनेजमेंट से लोग पैनिक हो सकते हैं, तो लिक्विडिटी कैश की जो समस्या हो सकती है 7 से 14 अप्रैल और 24 अप्रैल से 9 मई। बच्चों इत्यादि की बात करें तो
9th मई के बाद में सारी चीजें ठीक रहती हैं, बच्चों की समस्या, बच्चों का हेल्थ इश्यूज, ये सारी चीजें ठीक रहती हैं। रियल स्टेट आफ्टर 9th जो है, बैंक्स की लिक्विडिटी 9 मई के बाद बैंक्स और लिक्विडिटी की स्टेट थोड़ी ठीक होने या थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन 14 अप्रैल से 9 मई और 1 से 8 जून और 15 जून से 15 जुलाई में थोड़ा सा फ्रॉड्स और पाकिस्तान से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। सो मोटा मोटी ये कह सकते हैं कि इस समय में विशेषकर 14 अप्रैल के बाद में लिक्विडिटी एफआईस का बाहर निकाल के ले जाना, 9 के बाद उसके ऊपर नियंत्रण आ जाना, महंगाई का लगातार बढ़ते रहना, 7 से 14 अप्रैल में लोग पैनिक हो सकते हैं, बैंकों में बराबर लिक्विडिटी का रखना, सब चीजें चलेंगी। लेकिन मुख्य है, जब तक ये लॉकडाउन रहेगा लोगों की मानसिक समस्या, जहां तक सवाल है कोरोना वायरस का, जो बृहस्पति का राशि परिवर्तन है, ये बृहस्पति का राशि परिवर्तन मुख्यतः सूर्य के सहायता से और शुक्र को जो लग्नेश को जो बल मिल गया है बृहस्पति इत्यादि के, सूर्य की सहायता से ये काफी नियंत्रण में आ जाएगा। और यदि मैं एवरेज भी लगा लें तो आज की तारीख में यदि 26-27 की कैजुअलिटी है तो भारत जो है यदि 150 तक के भी लोगों की मृत्यु होती है तो बहुत मैनेजेबल सेटिस्फैक्ट्री होगा 14। अभी जैसे कुछ तारीखें बोली हैं जिसमें मैंने कोरोना वायरस बढ़ सकता है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जैसे 2-3 मैंने कुछ तारीख दी थी आपको स्टार्टिंग में, अभी कार्यक्रम के पिछले भाग में मैंने आपको तारीखें दी थी, वो तारीखें थी कोरोना वायरस के बढ़ने का थोड़ा सा 30 तारीख से 2 अप्रैल प्रातः 6 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे 33 मिनट तक और थोड़ा 7 से 13 के बीच में, पर ये मैनेजेबल फिगर्स होंगे। हम जो है आज 1000 के आसपास है तो 2500 से 3000 के बीच में भी यदि हम पहुंचते हैं तो वी विल बी टू सरप्राइज, शुड नॉट बी टू सरप्राइज, क्योंकि ओवरऑल ग्रह स्थिति देश के हक में जाती लग रही है। तो ये दोनों भागों में मैंने इस प्रोग्राम को बनाया है, आप चाहे तो इसको देखें। धन्यवाद, नमस्कार।